जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ सोपोर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि इसके पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई पुलिस सेना की 32 आरआर और इसके साथ साथ सीआरपीएफ के द्वारा की गई है। आतंकी की पहचान चेक सेरी पटन निवासी गुलाम मोहम्मद के पुत्र फिरदौस अहमद वानी के रूप में हुई है। सेना की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने डीपी पांडे ने कहा है कि आतंकी अब निर्दोष लोगों को निशाना बनाने में लगे हैं, इसीलिए वे अब भीड़ भरे इलाकों में ग्रेनेड हमले कर रहे हैं। अमीरा कदल में गत रविवार को हुआ ग्रेनेड हमला भी इसी साजिश का हिस्सा है। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बोर्ड ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर विभाग में फर्जी बुकिंग करने वाली वेबसाइट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, साथ ही गूगल से ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले में जाँच शुरू कर दी है। एम्स जम्मू में एमबीबीएस के पहले दो बैच की पढ़ाई 15 मार्च के बाद जम्मू के मीरा साहिब में शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए नीट इंदिरा नगर मीरा साहिब में प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया है। इनके साथ एम्स जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर शक्ति गुप्ता भी थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया। मुख्य समारोह पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुआ। आपको बता दें कि इस तरह के समारोह सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किए गए, जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। इन सभी समारोहों का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि साफ तौर पर कहीं न कहीं निशाना केंद्र की सरकार पर भी साधा गया और साथ ही साथ इस मौके पर ये कहा गया कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने चाहिए। श्रीनगर से सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल का दौरा किया और जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की एक बैठक में हिस्सा लिया और साथ ही साथ विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास कार्यों के तहत प्राप्त प्रगति की समीक्षा भी की है। आपको बता दें कि इस मौके पर जिला गांदरबल के उपाध्यक्ष डीडीसी गांदरबल, साथ ही साथ बिलाल अहमद, उपायुक्त गांदरबल कृतिका जसोना और इसके अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ शुरुआत में अगर बात की जाए तो साफ तौर पर रहा कि किस तरीके से गांदरबल में गतिविधियां की जा रही हैं, उस पर खासा ख्याल रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वेयर हाउस फेडरेशन की तरफ से भी अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अगर बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मौजूद थी और साथ ही साथ फेडरेशन के प्रधान का कहना था कि अगर बात करें तो ये पहला मौका है जब फेडरेशन की तरफ से अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। शोपियान जिला के युवाओं के उत्थान, मार्गदर्शन और स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए डीडीसी अध्यक्ष शोपियान बिल्किस जन ने शोपियान में लाभार्थियों को मुमकिन योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी वाले 41 कमर्शियल वाहन वितरित किए। इस अवसर पर बोलते हुए डीडीसी अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रशासन का मिशन युवा शोपियान के, आपको बता दें कि युवाओं को व्यवस्थित आजीविका प्रदान करना है और इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो इस अवसर पर शोपियान के उपनिदेशक रोजगार अब्दुल मजीद तांत्रे ने युवाओं को बधाई दी। साथ ही साथ कहा कि अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। बारामूला में बज़्मे अज़मत निस्वा द्वारा सूचना विभाग के सहयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया। आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम सरकारी गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में मनाया गया और साथ ही साथ इस मौके पर अगर बात करें तो स्कूल के छात्रों और के द्वारा अलग अलग प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर अगर बात की जाए तो पूरा यही ध्यान रखा गया कि किस तरीके से महिलाओं को जागृत किया जाए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार तकरीबन 2 साल बाद आगामी 27 मार्च से भारत के लिए और भारत से कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
भारतीय छात्रों की निकासी को लेकर कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि 8 मार्च को सुबह 10 बजे से यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए मानवीय गलियारों की घोषणा की गई है। सभी फंसे हुए भारतीयों को इस अवसर का उपयोग करने और ट्रेनों, वाहनों या परिवहन के अन्य उपलब्ध साधनों का उपयोग करके निकलने का आग्रह किया गया।